दोस्तों, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आप अपने टास्क को मॉनिटर करते हैं तो कौन सा टास्क कंप्लीट हो गया है और कौन सा पेंडिंग है, इसके लिए आप सिंपली नोटबुक का यूज़ करते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे एक्सेल के अंदर एक चेकलिस्ट बना के आप ट्रैक कर सकते हैं स्मार्ट वे में कि कौन सा टास्क कंप्लीट हो गया है और कौन सा टास्क अभी पेंडिंग है। तो दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय, आपका मेरे चैनल कंप्यूटर नॉलेज में फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। इसमें मैंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। इसमें मैंने लिख रखा है कि कौन सा टास्क मुझे करना है और क्या क्या उसका स्टेटस है। यहाँ पर अभी एक भी टास्क मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चेकबॉक्स बना हुआ है। इस चेकबॉक्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर ओपनिंग का जो हमारा टास्क है ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया और स्ट्राइक थ्रो की तरह इसमें बीच में लाइन आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये टास्क मेरा कम्प्लीट हो चुका है। इसी तरह मैं और किसी भी टास्क को जैसे ही मैं यहाँ पे डन करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्राइस अपडेट हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। इसी तरह मैं जिस पे भी क्लिक करता जाऊँगा ये टास्क मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये चेकलिस्ट आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप डेली एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चेकलिस्ट को बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए मैं यहाँ पर दूसरी शीट ले लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक दूसरी सीट ले ली है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे डन लिख के आए और यहाँ पे एक चेकबॉक्स बन के आए। तो चेकबॉक्स को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर चेकबॉक्स को इंसर्ट करना होगा। इसके लिए हमारे पास डेवलपर टैब इनेबल होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डेवलपर टैब इनेबल है। अगर आपके में डेवलपर टैब इनेबल नहीं है तो आपको सिंपली फाइल पर जाना है, उसके बाद ऑप्शन पे जाना है, देन आपको कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर टैब। अब ये मैंने चेक कर रखा हुआ है, अगर आपके में चेक नहीं है तो आप इसको यहाँ से चेक कर लें। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर टैब आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर चेकबॉक्स को इंसर्ट करना है, तो हम डेवलपर टैब पर आएँगे, देन इंसर्ट पर आएँगे और यहाँ से चेकबॉक्स को इंसर्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम इसको बना लेंगे। मैं यहाँ पे इसको मिडिल में रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ डन। तो अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पे चेकबॉक्स बन चुका है जो यहाँ पे डन लिखा हुआ है। तो हमें सिंपली इन सब में लाने के लिए क्या करेंगे, इस सेल पे ओके करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो हमारे सभी में चेकबॉक्स बन के आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करूँ तो ये स्टोर ओपनिंग का जो ये हमारा टास्क है ये ग्रीन कलर का हो जाए और इसके बीच में एक लाइन खींच जाए। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पर ओके करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट कंट्रोल पे जाऊँगा। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाने के बाद सिंपली मैं इस बॉक्स पे क्लिक करके इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं डॉलर साइन को हटा दूँगा और यहाँ पे ओनली D4 रखना है। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू लिख के आ रहा है, तो इस ट्रू को मुझे गायब करना है। तो क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे होम पे आके मैं यहाँ से फॉन्ट कलर को वाइट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इस चेकबॉक्स को हम लगाएं या ना लगाएं यहाँ पे ट्रू या फॉल्स कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सब में ऐसा ही हो, तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं एक को क्लिक कर रहा हूँ लेकिन सभी पे हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको सिंपली फॉर्मेट कंट्रोल से जैसे आपने इसको D4 लिखा था उसी तरह इन सभी को हमें फॉर्मेट कंट्रोल से
कर चेंज कर देना है। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कर दूंगा क्योंकि ये हमारा डी कॉलम का 5 रो है, तो इसलिए मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं इसी तरह सभी को यहाँ पे जल्द से जल्द कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं, अब मैं जैसे सिंगल क्लिक करता हूँ तो सिंगल ही क्लिक हो रहा है। इसके बाद मुझे करना क्या था कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये ग्रीन कलर का स्ट्राइक थ्रू हो जाए। तो इसे करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन टास्क को मैं सिलेक्ट करूँगा, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, उसके बाद न्यू रूल पर ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर ओके करूँगा। देन हमारे पास आएगा फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। अब यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करने के बाद अब मैं इस सेल को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू डॉलर डी डॉलर 4 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं डी के बाद जो डॉलर लगा है इसको मैं रिमूव कर दूँगा, मैं केवल इक्वल टू डॉलर डी 4 इतना रखूँगा क्योंकि मुझे डी कॉलम को ही टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू डॉलर डी 4 रखूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा फॉर्मेट पे, देन यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं बीच में ऐसे लाइन आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर ग्रीन हो जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल आ रहा है, ग्रीन कलर का हो जाए। अब मैं यहाँ से ओके कर दूँगा, यहाँ से ओके कर दूँगा। अब देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो स्टोर ओपनिंग ये ग्रीन कलर का हो गया और बीच में स्ट्राइक थ्रू की तरह कट गया है। तो यहाँ पे बीच में जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो स्टोर ओपनिंग यहाँ से कट गया है, स्ट्राइक थ्रू लग गया है और ग्रीन कलर का हो गया है। ऐसे मैं किसी को भी डन करूँगा तो आप देख सकते हैं इस तरह हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।